बिस्मिल्ड माई डर स्टूडेंट्स आई वेलकमर लर्निंग डर पेरेंट्स यू रेमेडी पैक ने एक फॉर रिसर्च के बाद डेवलप किया है और इस रिसर्च की डिटेल्स प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम खालिद साहब ने आपके साथ शेयर की हैं इन वेब लिंक्स के थ्रू आप इस रिसर्च की डिटेल्स जरूर मुलाजा फरमाइए हमारा आज का थीम है हेल्थ एंड ड्रग एजुकेशन और हमारा एसएलओ है रिकॉल एंड अप्लाई द रूल्स फॉर द यूज ऑफ ए एन एंड द और हमारा आज का दूसरा एसएलओ है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द यूज़ ऑफ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल डियर पेरेंट्स एक्चुअली हम बच्चों को आर्टिकल ए एंड द का यूज़ ऑलरेडी सिखा चुके हैं अब हम इसमें मज़ीद उनको डिफ्रेंश करना भी सिखा रहे हैं और साथ में डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल का कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा रहे हैं इस एस एलो को स्टडी करने से बच्चे अपनी राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल में इन्हेंस होते हैं उनको पता चलता है कि मैंने कहाँ ए यूज़ करना है कहाँ एन यूज़ करना है और द को सेंटेंस में यूज़ करने का क्या मकसद होता है और एक बच्चा बहुत कॉन्फिडेंटली ये बता पाता है कि आई सॉ एन ऑस्ट्रोच इन द ज़ू उसको पता है कि एन ऑस्ट्रोच है और द ज़ू है वाई वी हैव यूज इट द चाइल्ड कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट विच गिव जो बच्चे ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अलहमद लाडिकल ने अभी ये नहीं किया बेचा नो वरीज बिकॉज रेमिडी टू लर्निंग लॉसिस आपने इस एस एल ओ को अपनी बुक में सर्च करना है बुक के जिस पेज पर आपको ये एस एल ओ मिलता है उस पेज का नंबर यहाँ लिखिए और उसके बाद इस क्यू आर कोड को स्कैन कीजिए इसके साथ अटैच वीडियो लेक्चर को बहुत गौर से देखिए आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को थोरोली प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के बाद आप इन एस एल ओज़ को अपने रेमेडी पैक के पेज पर प्रैक्टिस कीजिए बेटा हमने बहुत मेहनत करनी है टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना क्योंकि हमने बेहतरीन स्टूडेंट और शानदार मुसलमान बनना है इन थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़